गरीब का जादुई सोना उगलने वाला हीटर। निरंजन अपनी पत्नी अनाया का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर निकाल देता है और उससे कहता है, तुमने जो किया है वो अच्छा नहीं किया। आज के बाद तुम इस घर में नहीं रह सकती। अभी कभी इस घर को छोड़कर चली जाओ। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं आपकी पत्नी हूँ। हमारा कितना अच्छा परिवार था, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। अनाया की बात नजरअंदाज करके निरंजन घर के अंदर आता है और उसके बेटे सूरज का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो घर का दरवाजा बंद कर देता है। माँ, माँ, पिताजी ने हमें घर से बाहर क्यों निकाला? माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है माँ, और ठंड भी लगी है। सूरज, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। अनाया अपने बच्चे का हाथ थामती है और चलने लगती है, जिसके बाद चलते चलते उसे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। हे भगवान, कितनी ठंड हो रही! जब मुझे इतनी ठंड लग रही है तो मेरे बेटे सूरज को कितनी ठंड लग रही होगी। ऐसा सोचकर अनाया अपने बेटे सूरज को गोदी में उठा लेती है, जिसके बाद कुछ ही दूरी पर चलने पर उसे एक झोपड़ी नजर आती है। लगता है कि इस झोपड़ी में कोई नहीं रहता, आज की रात झोपड़ी में रुकने के लिए ठीक रहेगी। अनाया अपने बेटे को लेकर उस झोपड़ी में चली जाती है। दरअसल अनाया के पति ने उसे धोखा दिया था, वो किसी और लड़की से शादी करके उसे घर में ले आया था। जैसे ही अनाया ने किसी और लड़की को अपने पति निरंजन के साथ देखा, तो अनाया ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा, जिसके चलते निरंजन ने उसे घर से बेघर कर दिया। अब मेरा और मेरे बेटे का क्या होगा? हे भगवान, मेरी मदद करो, मदद करो मेरी। अनाया और सूरज दोनों ठंड से कपकपा रहे थे, तभी उन्हें झोपड़ी के अंदर एक हीटर नजर आता है। भगवान, तूने हम पर रहम किया, तेरा बहुत शुक्रिया। अनाया उस हीटर का तार बोर्ड में लगा देती है। जैसे ही हीटर चलने लगता है, अचानक से वो हीटर सोने के सिक्के उगलने लगता है। अरे, ये क्या? इस हीटर के अंदर से तो सोने के सिक्के निकल रहे हैं। अनाया सोने के सिक्के देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। तभी अचानक से उस हीटर के अंदर से एक बूढ़ी औरत की आत्मा निकलकर बाहर आती है। बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल बात यह है कि पिछले साल मैं इस झोपड़ी में रहा करती थी। मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मेरे पास ये जादुई हीटर था जो कि मुझे एक देवी माँ ने दिया था। अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरी मृत्यु हो गई। तब से ये जादुई हीटर यहीं पर है, तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकती हो। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनाया के ऐसा कहते ही उस बूढ़ी औरत की आत्मा अचानक वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद अनाया हीटर का स्विच बंद कर देती है। स्विच बंद होते ही हीटर के अंदर से सोने के सिक्के निकलने बंद हो जाते हैं। ऊपर वाले, जब भी तू देता है छप्पर फाड़ कर देता है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर अनाया उन सोने के सिक्कों को ले जाकर कुछ रजाई और कुछ गर्म कपड़े खरीद कर ले आती है, जिसके बाद अनाया उन गर्म कपड़ों को अपने बेटे सूरज को ओढ़ाती है, खुद भी ओढ़कर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, अनाया बाकी के सोने के सिक्के से अपने और अपने बेटे के खाने के लिए खाने का सामान ले आती है। कल रात से ही मैंने और मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया है। अनाया अपने बेटे को नींद से जगाती है। जैसे ही अनाया अपने बेटे को स्पर्श करती है, वो हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, मेरे बेटे को तो बुखार हो रहा है, अब मैं क्या करूं? अनाया को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो जादुई हीटर का तार लगा देती है। जैसे ही हीटर जलना शुरू होता है, वो सोने के सिक्के उगलने लगता है, जिसके बाद अनाया सोने के सिक्के उठाती है और अपने बेटे को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, इसके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बुखार है, सर्दी के चलते हो गया होगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप ये दवाइयाँ अपने बेटे को दे देना। डॉक्टर अनाया को दवाइयाँ लिखकर दे देता है, जिसके बाद अनाया केमिस्ट की दुकान पर जाकर वो दवाइयाँ खरीद लेती है और अपने बेटे को वापस झोपड़ी में ले आती है, जिसके बाद वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है और उसे दवाइयाँ दे देती है। अगले दिन उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा लाडला बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। अपने बेटे को ठीक देख अनाया बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपने आप से कहती है,
मुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अगर मैं इसी प्रकार एक झोपड़ी में रहूंगी तो ना तो मेरे बेटे को अच्छी जिंदगी मिल पाएगी और ना हमारा कुछ होगा। ऐसा सोचकर अनाया जादुई हीटर का प्लग लगा देती है। देखते ही देखते जादुई हीटर सोने के सिक्के उगलने लगता है। अब मैं इन सोने के सिक्कों से और हीटर ले आऊंगी और अपनी एक दुकान खोलूंगी। अनाया ऐसा सोचकर एक दुकान खरीदती है, जिसके बाद वो उस दुकान में हीटर बेचना शुरू कर देती है। ठंड के चलते गांव के सभी लोग उससे हीटर खरीदने लगते हैं। देखते ही देखते अनाया को अच्छा खासा प्रॉफिट शुरू होने लगता है, जिसके बाद अनाया अपने लिए खुद का एक घर भी खरीद लेती है और अपने बेटे सूरज का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देती है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने मेरी जिंदगी की सभी परेशानियों को दूर कर दिया। अनाया ऐसा सोचकर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए जाती है। जैसे ही वो मंदिर से वापस लौटने लगती है, तभी अचानक से सड़क पर किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? पता नहीं कौन है, किसका बेटा है, किसके साथ इतना बुरा हादसा हुआ? अनाया जैसे उस आदमी को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या, ये तो निरंजन जी है, ये कैसे हो सकता है? कोई मेरी मदद करो, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद करो, कोई एम्बुलेंस को फोन करो, कोई तो मेरी मदद करो। अनाया के जोर जोर से चिल्लाने पर वहाँ खड़ा एक व्यक्ति एम्बुलेंस को कॉल कर देता है, जिसके बाद वहाँ तुरंत एम्बुलेंस पहुँच जाती है। अनाया निरंजन को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर निरंजन का चेकअप करने के बाद अनाया से कहते हैं, देखिए इस दुर्घटना के दौरान आपके पति के दोनों पैर खराब हो चुके हैं, अब वो जिंदगी में कभी नहीं चल पाएंगे, लेकिन एक संभावना है, अगर आप उनका ऑपरेशन करवाती हो तो वो दोबारा से अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे, लेकिन ऑपरेशन के लिए पूरे 10 लाख रुपए की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, पैसों का मैं इंतजाम कर लूंगी, आप बस मेरे पति को बचा लीजिए। अनाया फौरन अपने घर लौटती है और अपने जादू हीटर को निकाल कर उसे ऑन करती है, जिसके बाद जादू हीटर जैसे ही जलना शुरू होता है, वो सोने के सिक्के उगलने लगता है। अब मैं निरंजन जी का इलाज करवा सकती हूँ, भगवान मेरे पति की रक्षा करना। ऐसा कहकर अनाया सारे सोने के सिक्के ले जाकर डॉक्टर को दे देती है, जिसके बाद अनाया डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, उनके इलाज में कोई कमी मत छोड़ना। आप चिंता मत कीजिए, आपके पति को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ऐसा कहकर निरंजन का इलाज करने के लिए चले जाते हैं। निरंजन का इलाज कई घंटों तक चलता रहता है, जिसके बाद जैसे ही डॉक्टर अनाया के पास आते हैं, डॉक्टर अनाया से कहते हैं, मुबारक हो आपको, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अब आपके पति अपने पैरों पर चल सकते हैं। अनाया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता, वो फौरन अपने पति निरंजन से मिलने उसके पास जाती है। अजी आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? अरे मुझे माफ कर दो अनाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और तुम्हें छोड़ दिया, जिससे मैंने शादी की थी उसने मुझे किसी और आदमी के लिए छोड़ दिया, तब से मैं पागलों की तरह यहाँ बाहर तुम्हें ढूंढ रहा था, और जब तुम मुझे मिली तो तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, हो सके तो मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर देना। अजी शाम का भूला जब सुबह घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। अनाया निरंजन को माफ कर देती है, जिसके बाद वो अपने बेटे और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जूही अपनी बूढ़ी दादी लीला देवी के साथ एक कच्चे घर में रहती थी। जूही के जन्म के वक्त ही उसकी माँ गंगा दुनिया को अलविदा कह गई, जिसके बाद उसका पिता प्रीतम शराब के नशे में डूब गया। उसकी ये बुरी आदत इतनी ज्यादा हद तक बढ़ गई कि एक रोज उसने भी आंखें मूंद ली। ऐसे में पोती को पालने की जिम्मेदारी लीलावती के बूढ़े कंधों पर पड़ गई। हे ईश्वर, ये कैसा दिन दिखा रहा है तू मुझ बुढ़िया को? प्रीतम और बहू को गए 15 साल बीत गए, कुछ ही दिनों बाद जूही ब्याह के लायक हो जाएगी, और ये झूठन धोकर तो पैसे जुड़ने से रहे। ऐसे बोलते हुए बूढ़ी लीला की आंखों में ठहरे आंसू डब डबा जाते हैं। तभी घर की मालकिन दिव्यानी उसे झड़पते हुए बोलती है, अरे ओ बुढ़िया, क्या बड़बड़ा रही है? ये पूरा परिवार चाय का इंतजार कर रहा है, और तूने अब तक बर्तन नहीं मांजा? तू ऐसे नहीं मानेगी, जब पगार में कटौती होगी ना, तभी तू ये काम चोरी करना छोड़ेगी। अरे नहीं नहीं, मुझ बुढ़िया पर ऐसा गजब मत करना, इस पगार पर मुझ बुढ़िया की आस बंधी है,
मेरे बूढ़े कंधों पर मेरी पोती का पेट पालने की जिम्मेदारी है। बगैर पैसे के कैसे बिठाऊंगी मैं उसकी भूख। पहाड़ में जाए तुम गरीबों की भूख, जल्दी जल्दी हाथ चला, समझी ना? गरीब लीलावती के लाख गिड़गिड़ाने पर भी दिव्यानी उसकी एक नहीं सुनती। बूढ़ी लीला सारा काम निपटा कर घर के लिए निकल पड़ती है। चारों ओर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। गरीबी की मारी बूढ़ी लीला के शरीर पर सूती की एक फटी पुरानी साड़ी थी, जिसमें बर्फीली बयार आर पार हो रही थी। ठंड में ठिठुरती हुई लीला घर आती है, जहां उसकी पोती जूही बोलती है, दादी माँ, दादी माँ आप आ गई? देखो मैंने आपके लिए खाना बना लिया है, ताकि आपको ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, और कल के लिए भी आज ही कुएं से पानी भी भर लिया। अरे मेरी प्यारी पोती, तेरा बस चले तो अपनी दादी को तू एक तिनका भी ना उकसाने दे। चल साथ मिलकर खाना खाते हैं। इसके बाद लीला और जूही साथ मिलकर खाना खाते हैं। थाली में कुछ रोटी और प्याज के टुकड़े थे। लीला अपनी पोती के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, मगर कम पैसे में उसके अरमान हमेशा धरे के धरे रह जाते थे। जूही बेटी, अपनी बूढ़ी दादी को माफ कर दे। तेरी गरीब दादी ना तुझे कभी कुछ खरीदने के खातिर खुला खर्चा दे पाती है, ना तुझे इस रूखी सूखी रोटी के सिवा अच्छा खाना खिला पाती है। ऐसा क्यों बोलती हो दादी माँ? मेरा पेट भरने की खातिर ही तो आप बीमार होकर भी उन बड़े घर जाकर बर्तन मांजती हो, और फिर भूख में तो सब कुछ अमृत जैसा स्वाद देता है ना। इसके बाद दोनों खा पी कर सो जाते हैं, और गुजरते पहर के साथ रात का पतरा हुआ अंधेरा सवेरे में बदल जाता है। दादी माँ देखो सुबह हो गई, जल्दी से जाग जाओ। जूही अपनी दादी को जगाने की बहुत कोशिश करती है, मगर मुर्दे कहाँ जागते हैं। बूढ़ी लीला का शरीर ठंड के कहर को काट न सका और वो चल बसी। 15 साल की जूही के लिए उसकी दादी के मौत के साथ दुनिया छिन गई थी। कई दिन बीत गए, जिसके बाद पेट की आग बुझाने के लिए जूही ने लोगों के सामने हाथ पसारना शुरू कर दिया, मगर सभी ने उसे दुत्कार दिया, जिसके बाद वो रोते बिलखते हुए अपने घर से कुछ कोस दूर बसे कुएं पर आकर रोते हुए बोलती है, कुएं मुझे खुद में संभालो, ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं, ना तो कोई मुझे काम दे रहा है, ना कोई मुझे मुफ्त में खाना देना चाहता है। इस दुनिया के कदम कदम पर खड़े दरिंदे गरीब अनाथ लड़कियों को फाड़ खाने की ताक लगाए बैठे हैं। अब समझ आया कि दादी माँ मुझे क्यों काम करने से मना करती थी। बचपन से मेरा एक ही अरमान था कि काश मुझे कभी लहंगा पहनने को मिलता, मगर जब मेरे आगे दाने दाने के लाले पड़े हैं, तो मेरा लहंगा पहनने का शौक क्या ही पूरा होगा। मैं आ रही हूँ दादी माँ। ये बोलकर जैसे ही जूही कुएं में कूदने के लिए बढ़ती है, अचानक कुएं के अंदर से बहुत ही अनोखे और लाजवाब लहंगे कुएं से बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर जूही बौचक्की रह जाती है। तभी कुएं के घेरे पर आंख नाक और मुंह बन जाता है और कुआं बोलता है, जूही क्या तुम नहीं जानती कि जान देना तो बुद्ध जिलों की निशानी है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? पहले इस कुएं से लहंगे निकलने लगे और अब ये कुआं बोल रहा है, ये सब कुछ मेरी सोच से बिल्कुल परे है। घबराओ नहीं जूही, दरअसल मैं एक जादुई कुआं हूँ, जिसके अंदर तुम जैसे लोगों की तरह ही लहंगों की दुनिया है, जिसे मैं गरीबों की मदद करता हूँ। ये सभी लहंगे तुम ले लो, इन्हें बेचकर तुम अपनी गरीबी मिटा सकती हो, क्योंकि ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा। तुम्हारा शुक्रिया जादुई कुएं। जूही जादुई कुएं से मिले लहंगे को लेकर घर चली जाती है और शाम को बाजार में लहंगे बेचने लगती है। आओ आओ लोगों, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कम पैसों में महंगे लहंगे खरीदो। जूही की बुलाहट सुनकर पार्वती नाम की औरत वहां आती है और उसके लहंगे को देखकर बोलती है, अरे वाह बहुत सुंदर लहंगे हैं तुम्हारे, ये लाल वाला लहंगा कितने का बेच रही हो? ये वाला लहंगा ज्यादा नहीं, केवल 500 रुपए का है। अरे वाह तुमने तो कमाल ही कर दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं होता इतने कम बजट में इतना सुंदर और हैवी लहंगा। हाँ काकी, इसी बहाने गरीब भी कम दाम में लहंगे पहनकर अपनी बेटी को विदा कर सकेंगे। पार्वती खुश होकर जूही से उसके लहंगे खरीद लेती है। ऐसे ही दिन भर उसके कई सारे लहंगे बिक जाते हैं।
शाम ढले जैसे ही जूही वापस घर को लौटने वाली होती है कि तभी अचानक से एक गरीब लड़की रोते बिलखते हुए जूही के पास आती है और उससे कहती है, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कल मेरी शादी है और मेरे पिताजी के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो मेरे लिए एक शादी का जोड़ा सिलवा सके। जूही जैसे ही उस गरीब लड़की को देखती है उसे उसके ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ जाता है, जिसके बाद वो जादुई कुएं से मिले लहंगों में से सबसे सुंदर लहंगा देते हुए उससे कहती है, ये लो, ये लहंगा तुम्हारे पर बहुत प्यारा लगेगा, अब तुम्हारी शादी अच्छे से होगी। जूही लहंगे के साथ साथ गरीब लड़की को थोड़े पैसे भी दे देती है, जिसके बाद वो लड़की उसका शुक्रिया अदा करके खुश मन से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उस गरीब लड़की की शादी अच्छे से हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जूही अपने जादुई कुएं से और लहंगे मांगने पहुँचती है। जादुई कुआं, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। आज मुझे तुमसे और लहंगे चाहिए ताकि मैं उन्हें बेचकर और भी गरीब लोगों की मदद कर सकूं, साथ ही अपना घर चला सकूं। जूही के इतना कहते ही जादुई कुएं के अंदर से बहुत सारे रंग बिरंगे लाजवाब लहंगे निकलकर बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद जूही जादुई कुएं का शुक्रिया अदा करती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई कुएं, आज तुम्हारी मदद से मैं गरीबों की मदद कर रही हूँ। ये सब तुम्हारी ही वजह से है, अगर तुमने मेरी मदद न की होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे अरे, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे भी मैं तुम्हारी इसी तरह मदद करता रहूँगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम बस मेरे पास दौड़ी चली आना, फिर मैं तुम्हें महंगे लहंगे दूंगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। जूही वहाँ से लहंगे ले जाती है और बाजार में ले जाकर बेचना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो सुबह से शाम तक अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। इस तरह जूही की परेशानी दूर हो जाती है और उसका जीवन पूरी तरह से पटरी पर चला आता है। साथ ही जब कभी उसे मौका मिलता तो वो जादुई लहंगे कुएं से गरीब लाचार लोगों की मदद किया करती थी।